हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी। एक्सपर्ट की राय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। और राजेश जी के जो एक्सपर्ट हैं हमारे होम लोन में, इनसे कुछ जानकारी लेंगे। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और यदि आपको, हमने पीछे भी जो है होम लोन से रिलेटेड टाइप ऑफ लोन्स, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ऐसा वीडियो पहले भी हमने जो है राजेश जी के साथ किया हुआ है, आप उसे हमने जो है आई बटन पे दे दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे राजेश जी से कि होम लोन के लिए जो है, यदि हम प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ही होम लोन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके चलना है, जिससे कि जिस समय हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हों हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो राजेश जी, आप पीछे वाले वीडियो में भी आपने काफ़ी चीज़ें हमें बताई थी, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे व्यूवर्स को आप बताइए, यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लान कर रहा है, सर्विस क्लास है, बिजनेसमैन है, तो उसे किन किन चीज़ों को ध्यान में लेके चलना है, जिसकी वजह से जब वो प्रॉपर्टी परचेज करें तो उन्हें होम लोन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जी। अगर कोई क्लाइंट कोई प्रॉपर्टी देखने जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो प्रॉपर्टी सर्च देख रहे हैं वो डीडी, अगर दिल्ली में देख रहे हैं डीडीए से, गाजियाबाद में देख रहे हैं जीडी अथॉरिटी से, जी। अगर आप गुड़गांव में देख रहे हैं तो हुडा अथॉरिटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। जी। अगर वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड एरिया में है और अप्रूव्ड मैप प्रॉपर बना हुआ है, जी, तो उस प्रॉपर्टी पे होम लोन सारे बैंकों से हो सकता है आराम से। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप होम लोन लेना चाह रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी का नॉर्मली हम 80% फाइनेंस करते हैं, 80% से ऊपर नहीं जाता। अगर कोई कस्टमर कोई प्रॉपर्टी फाइनल करता है, उसके लिए कस्टमर की इनकम क्या है, सबसे पहले जो कस्टमर की इनकम होती है, कस्टमर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है सर्विस क्लासेस, जी जी जी, और दूसरा होता है बिजनेसमैन। जी जी जी। अगर कोई सर्विस क्लासेस है जी, और वो अपनी प्रॉपर्टी देखना चाह रहा है, जो भी उसकी सैलरी है, जी, सैलरी हमेशा वाइट में ही आती है। जी जी जी। कोई ऐसा नहीं है कि कैश सैलरी को लोन मिल जाएगा। जी, कैश सैलरी जिसके अकाउंट में आती है, जी, उसको जी, कभी भी कोई बैंकिंग सेक्टर लोन नहीं देगा। मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई सैलरी को कैश के रूप में ले रहा है तो उसे फ्यूचर में लोन जैसे सेक्टर्स में जो है उसको उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला कोई बेनिफिट नहीं है। जी। दूसरी चीज कि अगर आप सर्विस क्लास हैं और होम लोन के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितना आपका लोन होना चाहिए, कितना आपकी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, उसके लिए आप एक ये कैलकुलेशन है कि जितनी भी आपकी अकाउंट में सैलरी आती है, अगर आपकी सैलरी 30,000 से नीचे है, 30,000 to 50,000 से अगर बिलो रहती है, जी जी जी, तो सिर्फ आप 45% की ही ईएमआई बना सकते हैं जितनी आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है। जी जी जी। अब वो आप प्रॉपर्टी जितने की भी देखे, वो बैंक उस पर ये नहीं कहेगा कि अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहे हैं और हमारी 80% की फंडिंग होती है, ये नहीं कि हम आपको सीधे 80 लाख फंड कर देंगे बैंक। जी 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 जी। बैंक आपकी इनकम जरूर देखेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आपकी जितनी मर्जी हो, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं होता। बैंक सिर्फ ये देखता है कि आपकी इनकम क्या है। जी। इनकम सोर्स वाइट में ओनली, नॉट ब्लैक इनकम। जी। ब्लैक इनकम कभी भी काउंट नहीं होती है। जी जी। सैलरी पर्सन के लिए। जी जी जी। तो जितनी भी सैलरी होती है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, 45% 30% भी इनकम ले लेते हैं, कई बार 30,000 की सैलरी है तो 30% की ही सैलरी पे हम लोन बना सकते हैं ओनली। 30% का FOR, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशो इसे कहते हैं, जो FOR कैलकुलेट किया जाता है, जी जी जी, जो नेट सैलरी पर निकाला जाता है। जी 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 जी। उसके लिए आप अगर ये अप टू 75 लाख लोन पर जाते हैं, जी जी, तो जी, उसके लिए हमारी जो फंडिंग होती है, जी जी, 70% आप अपनी सैलरी का ईएमआई दे सकते हैं। जी, आपको जी, जो पेपर्स रेडी करने होते हैं, जी, पैन कार्ड की कॉपी, जी, आधार कार्ड की कॉपी, जी, करंट रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ, जी, जहां पर अभी आप रह रहे हैं, जी, उसके लिए रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। जी जी। आपको
आधार कार्ड पे या तो अपडेट होना चाहिए आपका एड्रेस, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस पे अपडेट होना चाहिए, पासपोर्ट पे अपडेट होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड पे अपडेट होना चाहिए। इन चारों डॉक्यूमेंट में से किसी पे भी कोई एक एड्रेस अगर आपका अपडेट है जी, तो वो आपका रेजिडेंस प्रूफ में ले लिया जाता है जी, जी, जी। और अगर इसके अलावा कुछ अगर हम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लेते हैं, जैसे आपका एयरटेल और जियो के वाईफाई कनेक्शन जो होते हैं जी, हाँ, जी, हाँ। उसके बिल को भी हम रेजिडेंस प्रूफ में ले सकते हैं पोस्टपेड के केस में, पोस्टपेड ओनली पोस्टपेड जी, जी, जी। और इसके साथ हमें चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी। कुछ कस्टमर के क्वेश्चन आते हैं कि अभी अभी हमने नई जॉब लगी है और अभी हमारी 5 डेज ही हुए हैं, तो हम आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप कैसे दे दें जी, जी, जी। तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि आप जो प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ जॉब कर रहे थे उसकी हमें 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप दे दीजिए जब तक आपने काम किया है वहाँ पे। उसके बाद जो करंट एम्प्लॉयर है आपका लोन तो सैंक्शन हो जाएगा आपके अपॉइंटमेंट लेटर की बेस पे, लेकिन आपका डिस्पोजल नहीं हो पाएगा, रीजन बीइंग जब तक आपकी एक सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाती तब तक आपका लोन डिस्पोज नहीं होगा, ओनली सैंक्शन हो जाएगा, जिससे कि आपको एक एलिजिबिलिटी पता चल जाए कि हाँ जी मेरा लोन इस प्रॉपर्टी को। आप भी अपना एक कैलकुलेशन देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी आपको लेनी है, आपके पास कितना अपना फंड्स लगाने के लिए है, कितना आपको बैंक से लोन चाहिए जी। तो आप एक प्रिंसिपल अप्रूवल भी ले सकते हैं, वो जी, जी जी ये प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर ही मिलेगा आपको बस। तो यहाँ पर जो मैं समझ पाया हूँ, यदि कोई न्यू जॉब में जाके जो है उसकी नई ज्वाइनिंग कहीं होती है और वो होम लोन के लिए अप्लाई करता है, तो कम से कम उसे 3 महीने के बाद ही लोन मिलेगा। नहीं 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 सर, आप समझे नहीं, मैंने कहा था प्रीवियस एम्प्लॉय की। अगर कोई पर्सन उसने कैरियर ही स्टार्ट किया और पहली ही जॉब उसने करी हो और तभी वो सोच रहा हो कि हम पहली जॉब पे ही जो है कि 3 महीने के अंदर लोन लें, तो उसे कम से कम 3 महीने की सैलरी आने के बाद ही लोन मिलेगा। हाँ जी, और जी, उसकी बस एक प्लस पॉइंट ये होता है कि बैंक उसकी क्वालिफिकेशन देखता है और वो किस कंपनी में लगा है जी। अगर कोई कॉर्पोरेट में लगा है, जैसे HCL हो गया, इंफोसिस हो गया जी, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें उसकी पहली जॉब लगी है जी, जी, जी। और उसके लिए वो अपॉइंटमेंट लेटर और 1 महीने की सैलरी क्रेडिट हो गई है, उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है, बीटेक करा हुआ लड़का है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि उस चीजों को देखते हुए एक बैंक की कॉल है वो कि लोन दे सकता है 1 महीने की सैलरी क्रेडिट पर जी, 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 जी। वैसे भाई डिफॉल्ट जो है वो 3 महीने ही मोटा 3 महीने की मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, उसके साथ उसकी क्वालिफिकेशन भी देखी जाएगी जी, जी, कि उसी, ये नहीं है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो अपनी किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है जी, उस या नॉन MNC कंपनी है जी, उसमें वो जॉब लगा है जी, जी, और उसको बैंक लोन नहीं देगा 3 महीने की भी सैलरी पर। ठीक है, क्लियर हो गया, मैं समझ गया। ठीक है राइट सर जी, जी। इसके बाद उसको डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप प्रीवियस जो मैं जिसकी जॉब सिर्फ ओनली 5 डेज हुए हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आपको, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी जो करंट एम्प्लॉयर के साथ आपकी आई है, प्रीवियस लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप प्रीवियस एम्प्लॉयर की जी, और उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर की ही आपके 2 साल का फॉर्म 16 जिसे कहते हैं, उसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में टैक्स की डिटेल्स बताई जाती है और पार्ट बी में जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है एनुअल, वो सारी कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए हमें दोनों पार्ट चाहिए होते हैं बैंक को। और लास्ट 6 मंथ का सैलरी अकाउंट की बैंकिंग, अब जैसे मैंने कहा कि अगर वो करंट एम्प्लॉयर उन्होंने चेंज किया है जो आपने अभी जो करंट एम्प्लॉय के साथ आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीवियस एम्प्लॉय की जो बैंकिंग थी, क्योंकि हर एम्प्लॉयर अपना सैलरी अकाउंट अलग खुलवाता है जी, जी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस एम्प्लॉय की 6 महीने की बैंकिंग जहाँ पे उसकी 6 महीने की सैलरी आई है जी, जी, जी। प्लस जिस अकाउंट में, क्योंकि अभी कोई सैलरी तो आई नहीं है उसकी जी, तो हम सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर के बेस पे आपका लोन सैंक्शन कर देंगे जी, 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 जी। जब आपकी एक सैलरी क्रेडिट हो जाएगी आप अपना डिस्पोजल प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, और बिजनेसमैन क्लास में जो है किन चीजों का ध्यान रखना है? बिजनेसमैन सर, जिससे कि कई बारी एक तो सिविल का होता है, बैंकिंग सेक्टर हो गया,
बैंकिंग दो चीज़ें जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ लेके चलते हैं टर्नओवर के साथ में, तो बिजनेसमैन क्लास में किन किन चीज़ों को ध्यान में लेके चलना है यदि फ्यूचर में अपने को होम लोन लेना है? बिजनेसमैन जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता है तो नॉर्मली जितनी भी उसकी वाइट इनकम होती है जी, उतनी ही उसकी ब्लैक इनकम होती है जी, बैंक ये मानता है जी जी जी, अपफ्रंट नहीं मांगता जी हाँ, लेकिन जो उसकी कैलकुलेशंस हैं जी जी बैंक की हाँ, बैंकों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं बिजनेसमैन के लिए जी। एक प्रोडक्ट होता है नॉर्मल इनकम बेस पे, जो उसका नेट पैट है, नेट प्रॉफिट, जितने भी उसके खर्चे हैं उसको घटाने के बाद उसका जो ईयरली नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देता है उस पे वो कैलकुलेशन करता है जी जी। इसमें क्या होता है कि जैसे हम सैलरीड में 70% का मैक्सिमम FIR लगा सकते हैं, उतनी ही EMI कस्टमर दे सकता है जी जी। लेकिन यहाँ पर कुछ बैंकिंग सेक्टर ऐसे हैं जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड की जो नेट सैलरी नेट प्रॉफिट जो एनुअली जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया हुआ है उसको हम डिवाइड बाय 12 करते हैं, क्योंकि पर मंथ का हमें इनकम निकालना होता है जी, पर मंथ की इनकम निकालने के बाद जो भी उसकी इनकम आई उसको हम 75, 80, 90 तक हम इनहेंस कर सकते हैं। रीजन मैंने आपको बताया कि जितनी इनकम वाइट होती है उतनी ही इनकम ब्लैक होती है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक तो ये नॉर्मल इनकम बेस पे हो गया कि नेट प्रॉफिट के बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी है जी, जी, जी। दूसरा होता है आपका बैंक के बैलेंसेस और बैंक की ट्रांजेक्शंस जी, कि बैंक में बैलेंसेस किस तरीके से और ट्रांजेक्शन किस तरीके से चल रही है कस्टमर की जी, जी। बैंक की एवरेज ट्रांजेक्शन कितनी है, अगर महीने में कम से कम 30-40 ट्रांजेक्शन या 15-20 ट्रांजेक्शन भी हो रही है, लेन देन हो रही है, पेमेंट्स आ रही है, जो इनके डेटर्स हैं उनके से पेमेंट आ रही है, कंटिन्यू पेमेंट्स आ रही है, जा भी रही है पेमेंट, कुछ क्रेडिटर्स हैं जो उनको पेमेंट जा भी रही है, तो उनकी ट्रांजेक्शन्स के बेस पे बैंक एक कैलकुलेशन करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती है उसमें हम 70% पे लोन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट ओनली 5 लाख है, 5 लाख पे इतना लोन नहीं बनता, लेकिन आपके बैंक बैलेंसेस बहुत अच्छे हैं, आपके बैंक बैलेंस में हमेशा अगर हम देखें तो नॉर्मली 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख एवरेज बैलेंस रहता है और ट्रांजेक्शन भी बहुत अच्छी हैं। नॉर्मल कहा जाए तो ये जो सदर बाजार है, चावड़ी बाजार है, चांदनी चौक है, जितने भी यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनकी ITR बहुत कम होती है जी, लेकिन बैंक में ट्रांजेक्शन आप देख के आप कहोगे हम बहुत सारा भी बहुत बड़ा बिजनेस है इनका जी, इतनी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो ये कैलकुलेशन हम बैंक बिजनेस मैन के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन है, ग्रॉस टर्नओवर, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्जिन उसमें कम होता है, लेकिन टर्नओवर इतनी है हद से ज़्यादा तो बिल्कुल क्रॉस करिए, एक टर्नओवर प्रोडक्ट आता है हमारा, तो टर्नओवर प्रोडक्ट के बेस पे भी हम होम लोन दे सकते हैं जी जी जी। अब कोई बिजनेस मैन लेने आता है लोन तो सबसे पहले उसको अपना पैन कार्ड जी, आधार कार्ड जी, जहाँ पे वो रहता है उसका एड्रेस प्रूफ जी, तीसरा GST रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ हमें मैंडेटरी किसी भी रूप में चाहिए जी जी, चाहे वो GST हो जी जी, चाहे वो लेबर रजिस्ट्रेशन हो जी, चाहे वो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जी, किसी भी रूप में हमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए ही चाहिए जी जी बैंक को जी जी जी। इसके बाद आपका चौथा पार्ट आता है आपका GST रिटर्न्स। सपोज कीजिए आपका 31 मार्च जैसे अभी 2023 की रिटर्न्स जमा हो चुकी हैं बिजनेसमैन की, 24 ऑलरेडी चल खत्म हो चुका है जी जी। लेकिन बिजनेसमैन की जो रिटर्न्स का टाइम होता है 31 जुलाई तक होता है जी जी जी। जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है जी। तो बैंक क्या करता है कि उनकी करंट की सिनेरियो बिजनेस की क्या है वो जी देखने जी के लिए जी उसकी GST रिटर्न्स जो उसकी टर्नओवर है उसकी वैलिडेट करता है कि लास्ट ईयर की जो टर्नओवर थी और इस साल की टर्नओवर क्या है जी। तो इसलिए उसको GST रिटर्न्स V3B चाहिए होता है जी जी, टर्नओवर वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है जी जी। ये मेरे को एक साल की बैंक को चाहिए होती है रिटर्न्स, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जी, आपका 26 ASA
जी, जिसमें आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है व्हाइट में और जिसपे टैक्स कटा है जी, उसकी सारी ट्रांजेक्शन का ब्यौरा आपका 26AS में होता है जी। जी 26AS में टैक्स जितना भी आपका कटा हुआ है सारा का सारा आपका 26AS प्रूफ हो जाता है। तो लास्ट 3 ईयर्स के 26AS चाहिए होते हैं, लास्ट 3 ईयर्स की ITR जी, कंपटीशन जी, प्रॉफिट एंड लॉस जी, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन चार्ट विद ऑल डिटेल्स शेड्यूल्स, जैसे बैंक बैलेंसेस, बैंक बैलेंस किसका, डिफरेंट बैंक्स हैं तो उसके बैलेंसेस का एक शेड्यूल होता है जी जी। सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स में क्या होता है कि सन्डी डेटर्स की भी डिटेल्स होती है, लेकिन बैलेंस शीट में तो सिर्फ एक सन्डी डेटर्स का कॉलम आता है, उसके आगे डेटर्स का अमाउंट लिख दिया जाता है जी। ऐसे ही सन्डी क्रेडिटर्स होता है, उसका भी सिर्फ अमाउंट आता है लेकिन उसका शेड्यूल अलग से होता है डॉक्यूमेंट में। तो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल्स वो हमें लास्ट 3 ईयर्स के चाहिए होते हैं विद ITR एंड कंपटीशन। अगर टर्नओवर 5 CR से अबव है एनुअल टर्नओवर तो उसके जो फाइनेंशियल्स हैं हमें CA अटेस्टेड चाहिए विद UDIN नंबर। अगर कोई पेपर CA अटेस्ट करता है तो विदाउट UDIN नंबर CA अटेस्ट नहीं करता, तो उस पे UDIN नंबर हमें मैंडेटरी चाहिए जी। उसके बाद हमें चाहिए अगर कोई अभी रनिंग लोन्स हैं, कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसी बैंक से ले रखी है उसने, क्रेडिट CC लिमिट ले रखी है तो उसका अप्रूवल लेटर्स, कोई कार लोन ले रखा है, कोई आपने ऑटो लोन ले रखा है, कोई बिजनेस लोन ले रखा है जी, जी, जी। तो इसके सारे लोन शेड्यूल्स चाहिए होते हैं जी, जी, और लास्ट 1 ईयर का करंट अकाउंट, ODI अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट जिसे CC अकाउंट कहते हैं जी, जी। ये सब एक एक साल की बैंकिंग प्लस लास्ट 6 मंथ की सेविंग अकाउंट की बैंकिंग हमें चाहिए होती है जी, ये जी। आपके डॉक्यूमेंटेशन जी 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 बिजनेसमैन के लिए, ये बिजनेसमैन के लिए हुआ। सर्विस क्लास के लिए आपने बताई दिया था, अब सर्विस क्लास में थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। पहले तो प्रेपरेशन था कि बिफोर प्रॉपर्टी परचेज करें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हमें लोन लेने में दिक्कत ना हो। लेकिन अभी जैसे कि बिजनेसमैन के क्लास में आपने बताया कि अगर उसके कुछ प्रीवियस लोन्स चल रहे हैं तो उसी तरीके से यदि किसी के जो है सर्विस क्लास के केस में प्रीवियस लोन चल रहे होते हैं तो उसके केस में भी, उसके केस में कैसे होता है लोन अगर ऑलरेडी चल रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे मैंने बताया कि सैलरी का, नेट सैलरी का हम लोग 70% इनकम भी लेते हैं जी। जो 70% इनकम लेंगे ऑब्लिगेशन उसमें से माइनस होगी, ओके ठीक है, ना कि आपका 30% में से माइनस होगी जो आपके घर के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं जी 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 जी। बैंक कहता है कि अगर आपकी 1 लाख सैलरी नेट आ रही है जी, हाँ जी हाँ, हम 70% आपका इनकम लेंगे जी, 70% मतलब 70,000 रुपीज जी, जी। अगर आप ऑलरेडी कोई 15,000, 20,000 या 25,000 की ईएमआई चला रहे हैं जी, हाँ। तो वो 70,000 में से वो अमाउंट माइनस होगा, उसके बाद आपकी इनकम एलिजिबिलिटी निकल कर आएगी जी 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 जी, ठीक है ठीक है, कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन बनेगी जी। अब यदि हम प्रॉपर्टी परचेज करने की बात कर रहे हैं तो आपने पहले ही बताया कि बैंक, जिसे हम बैंक कहते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स जो है सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे लोन देगा जो किसी ना किसी अथॉरिटी से, चाहे वो DDA से हो, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, हुड्डा हो, किसी भी अगर अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है ऑल ओवर इंडिया किसी भी, तो सिर्फ फ्री होल्ड होनी चाहिए प्रॉपर्टी, हाँ तो वो फ्री होल्ड होनी चाहिए, अथॉरिटी से पास होगी तभी उस पर लोन मिलेगा, उस पर लोन मिलेगा ठीक है। तो अगर सपोज करो उदाहरण के लिए कि 50 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं तो उस केस में बैंक उस पर कितना फाइनेंस कर देती है? अब उसमें दो चीजें देखी जाएगी जी। एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जो आपने बताई 50 लाख है जी, हाँ जी हाँ। नॉर्मल जो रजिस्ट्री होती है वो सर्कल रेट पे होती है जी, हाँ जी हाँ। कस्टमर जो चाहता है कि सर्कल रेट से ऊपर मेरी रजिस्ट्री ना हो, और कुछ कस्टमर कहते हैं कि जो मेरी मार्केट वैल्यू है उसी पे रजिस्ट्री कर दो, लेकिन उस टाइम पे सेलर जो है वो डिनाई करता है, रीजनिंग उसका कैपिटल गेन बढ़ जाता है जी, हाँ जी हाँ ठीक है जी हाँ। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए आपका सर्कल रेट 30 लाख है जी हाँ, प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू आपका 50 लाख रुपए 50 लाख है, तो 30 लाख का हम 90% जो लोन है वो हम सेलर के नाम पे बना देंगे जी, हाँ जी पहली चीज जी हाँ। दूसरा
वैसे तो हम आप कहेंगे कि 80% के हिसाब से हम मार्केट वैल्यू का 40 लाख दे सकते हैं लोन, लेकिन अभी हमने 27 लाख ही दिया जी। बाकी जो 13 लाख लोन बचा हुआ है वो एज ए फिनिशिंग आपको हम लोन दे सकते हैं। वो जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी दिन वो 13 लाख का जो चेक है वो हमारे कस्टमर के नाम पे बन के आएगा जी। हाँ। ये लोन, ये आप सोचिएगा कि दोनों लोन अलग अलग है जी। हाँ। ईएमआई एक ही चलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही रहेगा, इंटरेस्ट का बेनिफिट पूरे 40 लाख में मिलेगा ना कि 27 लाख में मिलेगा जी 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 जी। बस बैंक ने उसको बाइफर्केट कर दिया है जी। हाँ। ओनली इनकम टैक्स में, क्योंकि उनकी भी ऑडिट होती है सर जी जी जी, कि भाई 30 लाख की रजिस्ट्री पे आपने 40 लाख कैसे लोन निकाल दिया जी जी जी। ये आरबीआई की गाइडलाइन है, कोई बैंक अपने लिए अपनी गाइडलाइन नहीं बनाता है जी 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 जी। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया क्लियर हो गया है। अब एक क्वेश्चन लेंगे आपसे यहाँ पे, अभी तो आपने बारे में बताया है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, क्वेश्चंस लेंगे। अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि सनत जी हमने तो होम लोन जो है वो लिया था उदाहरणों के लिए कि 8.50 में, और बाद में कई बार वो बढ़ के 9.75 हो जाता है, 10 हो जाता है, तो ये कैसे हो जाता है सर? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो या व्यूअर्स ने ध्यान दिया हो जी जी, कि जब भी कोई कस्टमर होम लोन लेता है तो उसको हर 6 महीने के बाद अपना होम लोन रिव्यू करना चाहिए ही चाहिए जी जी। ये आप हैबिट बना लीजिए इस चीज को जी। ओनली होम लोन, नॉट पर्सनल लोन, नॉट ऑटो लोन जी, क्योंकि इनके लोन टेन्योर कभी भी इंक्रीज नहीं होते, जितने साल में लिया जी उतने साल में खत्म हो गया जी 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 जी। होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कस्टमर को दिया जाता है जी जी। अगर मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है जी जी जी, तो आरबीआई के थ्रू आप न्यूज में भी देख सकते हैं कि आपका जो रेपो रेट है, रेपो रेट मैं बता देता हूँ रेपो रेट क्या होता है जी जी जी। रेपो रेट आरबीआई से लिंक होता है, इसमें क्या होता है कि बैंक को जो पैसा आरबीआई देता है, क्योंकि तो बैंकों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो करोड़ों रुपए लोन चढ़ा दे जी जी जी, तो बैंक भी आरबीआई से पैसा लेते हैं जी। तो जिस रेट पे पैसा लेते हैं वो रेपो रेट कहलाता है जी 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 जी। ठीक है सर, वो रेपो रेट कहलाता है, उस रेपो रेट में प्लस और माइनस करके बैंक कस्टमर को प्रोवाइड करता है जी, जी। जो उसका मार्जिन है वो बैंक का मार्जिन है जी, कि वो 50 पैसे रखे या 1 रुपए रखे जी जी। अधिकतर केस में तो आरबीआई ही डिसाइड करता है इस चीज को भी कि भाई ये मार्जिन कितना होना चाहिए आपका जी, नहीं तो बैंकर्स तो बहुत ज्यादा मार्जिन रख सकते हैं अपना, लेकिन बैंकर इतना मार्जिन नहीं रखते हैं जी जी जी। तो रेपो रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता है जी 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 जी। जब ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है आरबीआई न्यूज में आ जाता है कि आपका रेपो रेट 50 पैसे से बढ़ गया जी जी जी। अगर वो 50 पैसे से बढ़ गया जी जी, तो नॉर्मली क्या होता है कि बैंक जब आपका मैंडेट फॉर्म साइन करवाता है ईसीएस के लिए जी 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 जी, तो वो ईसीएस बार बार चेंज नहीं होता जी 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 जी, तो वो एक ही बार रजिस्टर्ड होता है जी। हाँ। ठीक है जी जी। हाँ। तो आपने हमेशा देखा होगा जब भी मैंडेट कोई रजिस्टर्ड होता है तो जो आपकी करंट ईएमआई है उसका 2 गुना या 3 गुना वो रजिस्टर्ड करवाते हैं जी, कि अगर इन फ्यूचर रेट ज्यादा बढ़ गए तो वो ज्यादा लोन टेन्योर पे आपका इफेक्ट ना डालकर आपके रेट जो आपकी ईएमआई है उसको चेंज कर दे। बैंक क्या करता है, जब भी कोई 50 पैसे का या 1 रुपए का रेट इंक्रीज होता है तो वो आपका इफेक्ट आपके लोन टेन्योर पे डाल देता है जी जी। लोन टेन्योर पे डालते साथ ही आपकी ईएमआई तो नहीं बढ़ती। अब जिस कस्टमर ने 6 महीने के बाद रिव्यू किया, क्योंकि मैंने तो 20 साल का लोन लिया था, वो 22 साल का कैसे हो गया जी जी। अब वो 50 पैसे जो बढ़े हैं या 75 पैसे जो भी बढ़े हैं रेट जी जी जी, उसका इफेक्ट 1.5 से 2 साल की आपकी ईएमआई इंक्रीज हो जाती है जी 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 जी, जिससे कि आपका 20 साल का लोन वो 21-22 साल पे पहुंच गया सिर्फ 50 और 70 पैसे का डिफरेंस है। तो ठीक बात है ठीक बात है। तो उसके लिए रेगुलरली जो है, उसके लिए रेगुलरली सिर्फ एक ही तरीका है, आप रेगुलरली अपने अकाउंट में देखें, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे भी हैं जिसकी सैलरी आपकी 30,000 की सैलरी है, अगर उसने 90% का लोन ले लिया, क्योंकि तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया गया कि अप टू 30 लाख लोन 90% की फंडिंग करता है बैंक जी मार्केट वैल्यू का।
अगर 27 लैक्स की 27 लैक्स के लोन पे अगर हमने लोन लिया, उसकी सिर्फ अगर सैलरी जो है वो ओनली 40,000 है और हमने लोन बना दिया उसका 27 लैक्स जी, तो आप ये बताइए कि वो अगर बैंक ने ईएमआई बढ़ा दी तो वो ईएमआई इन फ्यूचर बाउंस ही होनी है, क्योंकि वो ना घर के खर्चे संभाल पाएगा ना वो ईएमआई दे पाएगा। जी जी जी। इसलिए बैंक क्या करता है कि सबसे पहले लोन जो आपका लोन टेन्योर है उस पे इफेक्ट डालता है, जिसके कि कस्टमर अपनी ईएमआई आराम से रेगुलरली दे सके। ओके ओके, वो टर्नओवर बढ़ा देंगे, जैसे 15 साल का है तो उसे और 17-18 कर देंगे, 17-18 साल ईएमआई वैसे ही रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे बढ़ जाएगा। जी ओके ओके, चलो बहुत अच्छा रहा राजेश, आपने अपनी अच्छी अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूवर्स को। आशा करता हूँ कि इन लोगों का इनसे प्रॉफिट होना ही चाहिए, और यदि आप जैसे कि आप होम लोन्स में डील करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर बता दीजिएगा जिससे कि लोग आपसे संपर्क कर सकें। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, राजेश गुप्ता 9910649415 एक बार रिपीट कर रहा हूँ सर, 9910649415 वैसे तो राजेश जी ने अपना नंबर रिपीट कर दिया है, इसके साथ ही स्क्रीन पे भी नंबर राजेश जी का डिस्प्ले हो रहा है, साथ में स्क्रीन पे भी डिस्क्रिप्शन में भी हमने नंबर दे दिया है, आप वहाँ से भी लेके बात कर सकते हैं। दोस्तों जो है राजेश जी ने दोबारा मौका दिया हम लोगों को, तो राजेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए आए। धन्यवाद। साथ ही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही जानकारी लेके हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। और हाँ, यदि आप चाहते हैं आपकी कोई क्वेरी है राजेश जी से तो आप कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।